दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से अगर आपका पहचान पत्र खो गया है या आपका पहचान पत्र को लॉस्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, फट गया है, तो आप नया पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड किस तरह पा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में हम ये आपको क्लियर कर देंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। दोस्तों, ये आपको सबसे पहले आपको एक वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप्स डाउनलोड करना होता है। ये भारतीय इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है ताकि आप अपने घर पर इलेक्टर वोटर आईडी कार्ड से संबंधित बहुत सारे काम कर सको, अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सको, अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करा सको, एक नया वोट बना सको अपने घर का घर बैठे। तो दोस्तों, उसी ऐप्स के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज आलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटरनेट से। तो दोस्तों, चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप वीडियो के नीचे बने लाल बटन को जरूर दबाइए, आपको दिख रहा होगा, और उसके बराबर में बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके बहुत आसानी से। दोस्तों, यहां पर आप वोटर आईडी कार्ड नया बनाना सीख सकते हैं और भी बहुत सारी कामयाब भरी वीडियो आप यहां पर हैंग हम लेकर आए हैं आपके लिए, आप यहां पर देखकर उनको लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपने वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप डाउनलोड करना होता है। हमने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको अपना एपिक नंबर पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया तो आपको एपिक नंबर नहीं पता होगा। तो सबसे पहले अपना नाम सर्च करते हैं अपने वोटर लिस्ट में, सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल पर हम एक बार क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर तीन तरीके से अपना नाम सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास बार कोड है तो सर्च कर सकते हैं, हमारे पास बार कोड नहीं है तो हम यहाँ पर सर्च योर डिटेल पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पहले नाम डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे, एज डालेंगे, जेंडर डालेंगे और अपना नाम देखेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमने बंदे का नाम डाला, उसके बाद अपने पापा का नाम अगर उसका है तो डाल सकते हो आप, कोई बात नहीं। तो अगर आपको पापा का नाम नहीं डालना, तो अगर आपको स्पेलिंग सही नहीं आती तो आपको वोटर आई डी कार्ड की जो एपिक नंबर नहीं जान सकते, इसलिए आप फादर नेम ना ही डालें। उसके बाद आपको अपनी डेट, अपनी जो एज है वो डालनी होती है, और उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पर स्टेट चूज़ करना होता है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र चूज़ करना होता है, अपने सर्च पर क्लिक करना होता है। अगर आप दोस्तों फादर का नाम सही स्पेलिंग के साथ डालते हैं तो आपका वही एपिक नंबर, वही डिटेल आती है वोटर आई डी कार्ड में से जो आपकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप फादर नेम नहीं डालते, एज नहीं डालते, तो आपके बहुत सारे क्षेत्र के वोटर आई डी कार्ड आ सकते हैं, उसमें से आपको छाँटना पड़ता है। हम यहाँ पर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपना वोटर आई डी कार्ड इसमें छाँट सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना वोटर कार्ड छान लिया, हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं, या दोस्तों आप यहाँ पर नीचे बटने बटन पर इस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर बैक जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, सबसे नीचे आपको इशू ऑफ रिप्लेमेंट इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं पिक पर, और दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना जो स्टेट है वो चूज़ करना होता है, किस स्टेट में आप अपना वोटर आईडी कार्ड चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होता है, फिर आपको अपना विधानसभा क्षेत्र चुनना होता है और नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले दोस्तों, आप जिसका वोटर आईडी कार्ड दोबारा बनाना चाहते हैं पहचान पत्र, तो आप यहाँ पर उस एप्लीकेंट का नाम देंगे। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप रीजनल पर क्लिक करते हैं, आपका जो हिंदी में नाम है वो आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये नाम शुद्ध नहीं है, हम इसको शुद्ध करने के लिए आप यहाँ पर कहीं पर लिखकर उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, हम वही करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पर अपनी गूगल ट्रांसलेट को यूज़ किया है। हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों, अपनी जो ऐप से उस पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये शुद्ध है। इसके बाद दोस्तों, आपको सरनेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिए जिसका आप वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, रीप्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए दोस्तों, आपके सामने इस तरह कैलेंडर आता है। सबसे पहले आपको अपना जो साल है वो चूज़ करना होता है डेट ऑफ बर्थ का। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना जो महीना है या मंथ है उसको चूज़ करना होता है। हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना दिन चूज़ करना होता है। इसके बाद इसको रहने दीजिए। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देनी होती है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं है तो आप बना भी सकते हैं, उसका वीडियो हमारे पास है, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। फिर आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना होता है। हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देते हैं। कोई दोस्तों, मोबाइल नंबर देने के बाद आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल दीजिए अगर आपके पास है तो।
ईमेल आईडी डालनी कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप एपिक नंबर जरूर डालना होता आपको, एपिक नंबर दोस्तों जो हमने स्क्रीनशॉट लिया उस पर ऊपर लिखा हुआ होता है, हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं। पहचान पत्र संख्या को ही एपिक नंबर कहते हैं दोस्तों। हम एपिक नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, एपिक नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है, आपको यहाँ पर जेंडर चुनना होता है, हम यहाँ पर फीमेल चुन लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, डिक्लेरेशन को, और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। क्लिक होने के बाद एक नए पेज में आप आ जाते हैं, यहाँ पर आपको इसका जो पता है कैंडिडेट का वो डालना पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ पर हाउस नंबर और हाउस नेम डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना जो हाउस नंबर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर रीजनल पर जैसे क्लिक करते हैं, हमारा पूरा जो पता है हिंदी में भी आ जाता है। यहाँ पर लोकेलिटी डाल देते हैं जो भी हमारा गाँव है वो हम डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर रीजनल पर क्लिक करते हैं, हमारा गांव भी आ जाता है, गांव का नाम गलत है, हम इसको सही कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद अपने टाउन और विलेज का नाम डालते हैं, हम यहाँ पर इसको ही दोबारा पेस्ट कर देते हैं जो हमने यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम फिर रीजनल पर एक बार क्लिक करते हैं, हमारा हिंदी में पूरा पता आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको अपना डालना होता है, ये ज़रूरी है। हम यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन रीजनल पर क्लिक करते हैं, हमारे पुलिस स्टेशन का नाम हिंदी में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम पुलिस स्टेशन को रीजनल पर क्लिक करते हैं, हमारा जो नाम है वो पुलिस स्टेशन का आ जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलत नाम आता है। दोस्तों गलत नाम अब इस टाइम ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पिन कोड डालना होता है, जो आपका पिन कोड है हम यहाँ पर अपना जो पिन कोड है वो डाल देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर सब डालने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर एक बार फिर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर अपने रिलेटिव का नाम डालना होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने एक रिलेटिव का नाम डाल देते हैं, जो भी रिलेटिव है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको रिलेटिव का नाम डालना होता है, इनके हस्बैंड का नाम डाल लेते हैं जो भी है, तो आ जाता है दोस्तों हिंदी में। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लास्ट नेम देना होता है, जो भी लास्ट नेम है यहाँ पर हम लास्ट नेम दे देते हैं जो भी है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हिंदी में आ जाता है। फिर नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, आपको एक जो आप डुप्लीकेट जो वोटर आई डी कार्ड है क्यों पाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर रीज़न देना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर लॉस्ट स्ट्रीट डाल दिया है, हमारा जो खो गया है। आप ये आपका एपिक कलेक्ट योर ऑप्शन, आप किस तरह इसको पाना चाहते हैं, या तो आप अपने बीएलओ से पाना चाहते हैं, या दोस्तों आप अपने सीएससी केंद्र से इसको पा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डाक सेवक उसके द्वारा आप इसको पाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डाक सेवक पर क्लिक कर देते हैं। सबसे बेहतरीन जो रहता है इसमें डाक सेवक ही रहता है, आप डाक के द्वारा इसको पा सकते हैं। आई विश यू रिसीव एनी एपिक नंबर बाय पोस्ट। तो दोस्तों हम बाय पोस्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पर आप अपना प्लेलिस्ट डाल देते हैं जहाँ से हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसका प्लेलिस्ट का नाम डाल देते हैं जो भी है। दोस्तों हम अपने गांव का और अपने ज़िले का नाम डाल दिया है। इसके बाद हम यहां पर इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद दोस्तों हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप यहां पर इसको चेक कर सकते हैं, आपने जो फॉर्म है वो सही भरा है या नहीं, तो हमने यहां पर पूरा जो फॉर्म अपना चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों हमको अपना पूरा फॉर्म सही लग रहा है, अगर कुछ गलती आपको लग रही है तो आप इसको वापस जाकर करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहां पर कन्फर्म पर एक बार क्लिक करते हैं और एक बार फिर डन करते हैं, और दोस्तों एक बार फिर कंफर्म करते हैं। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से थैंक यू और योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुल योर डेट 10/1/2020, आपका जो आईडी है आपका जो एप्लीकेशन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है भारतीय इलेक्शन कमीशन के पास, और जल्दी आपका जो वोटर आईडी कार्ड है बनकर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको रेफरेंस आईडी जो है इसकी लिख लेनी चाहिए, इससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आपके वोटर आईडी कार्ड में कितना काम हुआ। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। अगर दोस्तों आप इसको बीएलओ द्वारा पाना चाहते हैं, तो अपने बीएलओ का नाम जानने के लिए अपने क्षेत्र के आप इस पर किन्नौर बीएलओ पर क्लिक करेंगे, आपके क्षेत्र के जितने भी बीएलओ हैं यहाँ पर आ जाते हैं, उनके नंबर आ जाते हैं, आप यहाँ पर उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और पूरा इलेक्शन कमीशन जो भी विभाग है सबके नंबर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बैक जाते हैं और यहाँ पर इस पर्ची को यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, ये हमारे रेफरेंस नंबर की पर्ची है, इससे हम अपने स्टेटस का पता लगा सकते हैं। हमने इसको डाउनलोड कर लिया।
दोस्तों ये डाउनलोड हो जाती है, आपके गैलरी में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको स्टेटस चेक करने के लिए फिर इस पर वोटर हेल्पलाइन पर जाना, अगर आपको कभी स्टेटस देखना है कि हमारा काम कितना हुआ। और दोस्तों चेक फ्रॉम स्टेटस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपनी रेफरेंस आईडी डालनी है जो आपने यहाँ पर कॉपी की थी, हम यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा, पहले बीएलओ के पास जाएगी, फिर फील्ड वेरिफिकेशन होगा, फिर हमारे घर तक आ जाएगी। अगर दोस्तों आपके पास, अगर आपने इस ऐप से ही काम किया है तो आप यहाँ पर ट्रैक योर यहाँ पर स्टेटस पर दोबारा जाकर, और दोस्तों आपने जितने भी फॉर्म यहाँ पर फिल करे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर भी, ये आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद भी वही आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा प्रोसेस आप हमने आपको दिखाया। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपके किसी मित्र का वोटर आईडी कार्ड खो गया तो उसको शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो को देखकर नया बना सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।